है गौसिया जामा मस्जिद, और गौसिया जामा मस्जिद के ठीक सामने ये है रोड गेट, है मेन गेट, और ये सीवर पिछले 10 दिन से इसी तरीके से बह रहा है। अभी 2 दिन पहले सबरात गई है हमारी, और सबरात में भी इसी तरीके से ये पानी भरा रहा। इसकी क्या नाम जल बोर्ड की रोड डेली गाड़ी आती हैं साफ़ सफाई करने के लिए, और ये साफ़ सफाई का दिखावा करके, और ये लोग रोड डेली यहाँ से चले जाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लोग आते हैं और ऐसे साफ़ सफाई करने का दिखावा करके ये लोग चले जाते हैं। इसमें जो हमारे क्षेत्र के एमएलए हैं, एमएलए राजेश ऋषि जी, पहली बात तो इन्होंने ये रोड नहीं बनाया। ये बोल रहे हैं कि ये क्षेत्र से अलग आता है, इनकी विधानसभा में नहीं आता ये रोड। अगर ये इनकी विधानसभा में रोड नहीं आता तो अब आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता इस गली में, मस्जिद वाली गली, गली नंबर 66 है गौसिया जामा मस्जिद, इसमें वोट लेने के लिए कोई ना आए। अगर ये कार्य क्षेत्र में तुम्हारे नहीं आती है और आप रोड यहीं छोड़ दोगे और इस गली का रोड नहीं बनाओगे और सीवर ये सारे नीचे डाउन रहेंगे और इसी तरीके से पानी भरता रहेगा, तो अब ये जो ना काम करने वाली राजनीति है ये अब हम लोग चलने नहीं देंगे। यहाँ पे सारे लोग, गली मोहल्ले के सारे नमाजी आप देख रहे हो, नमाज़ पढ़ने के लिए किस परेशानी में जाते हैं। 10-15 दिन से इसी तरीके से ये परेशानी है यहाँ पे, ये सारे लोग हैं। तो भाई कब से भर रहा है ये पानी? ये तो हो गया 15-20 दिन। हमने कितनी कंप्लेंट कर दी, कोई सुनवाई नहीं है। अभी ये पानी क्या नाम इसी तरीके से भरा रहा था, पढ़ पढ़ के मकान में भर गया, घर में पढ़ के उसमें से निकलते उसी में से जाते हैं। बताइए, बड़ी शर्म की बात है, बहुत बड़े शर्म की बात है। नमाज पढ़ने के लिए आया है यहाँ पे, पानी एमएलए को फोन कर दिया, इतना खड़ा है ये नमाजी कैसे जगह नमाज पढ़ने के लिए? कम से कम इतनी तो शर्म कर लो कि ये मस्जिद है, धर्म की जगह है, लोग नमाज पढ़ने आते हैं, ये जगह तो साफ सुथरा रहे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इनकी सफाई करवाओ, कम से कम इस गली को तो करवाओ, और कोई गली में हो या ना हो, इतना बुरा हाल है यहाँ पे, कुछ कहने के लायक नहीं। लोग नमाज पढ़ने कैसे जाएंगे? रात को अंधेरे में इतना परेशानी, कपड़े उसका उसका करने बात पड़ रहा है, बच्चे गिर जा रहे हैं बच्चे। ये देखिए, ये अधिकारी ऐसे आते हैं गाड़ी लेके, और ये सफाई वाले, और सफाई करने के बहाने से ये घूम घाम के ऐसे चले जाते हैं, कुछ नहीं होता। ये हमारे समाज से भी अल्ताफ भाई ये लगे हुए हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, गाड़ियाँ बुलाते हैं, लेकिन ये समस्या थोड़ी गंभीर है, बड़ी समस्या है। इसके अंदर रिक्वेस्ट है, ये सारे आवाम यहाँ पे, मुस्लिम सारे लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस समस्या का समाधान निकाला जाए। गलियाँ सारी भरी पड़ी हैं, सबके अंदर ऐसी परेशानी बन रही है। जो भी आ गया ना इधर, इनमें से बेटा गाँव की बोर्ड निकलेगा।